सीमावती शहर जयनगर में लगभग 2 घंटे के मूसलाधार बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार वर्षा के कारण कई सरकारी कार्यालयों के अलावा दर्जनों दुकानों एवं घरों में वर्षा का पानी प्रवेश करने से भारी क्षति पहुंची है। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में वर्षा का पानी प्रवेश करने से कई सरकारी सामान व कागजात बर्बाद हो गया। वर्षा का पानी प्रवेश करने से BDO कक्ष, CO कक्ष के अलावा पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय, प्रमुख व उप प्रमुख कार्यालय, CI, स्वच्छता अभियान, सामाजिक सुरक्षा, प्रखंड व अंचल नजारत कार्यालय के अलावा शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बुनियाद केंद्र, FCI व SFC गोदाम, प्रखंड निर्वाचन कार्यालय, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालय, रेलवे स्टेशन व वकालत खाना में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बारिश के पानी प्रवेश करने से कई कार्यालयों में कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया, जबकि विभिन्न कार्यालयों में रखे सरकारी कागजात व सामान बर्बाद होने की सूचना है। कार्यालय में वर्षा का पानी प्रवेश करने से सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के द्वारा सरकारी सामानों को बचाने के लिए कई तरकीब लगाए गए। लगातार वर्षा के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों घरों व दुकानों में पानी के प्रवेश करने से भारी क्षति पहुंची है। अशोक बाजार सब्जी मंडी में वर्षा का पानी कई दुकानों में प्रवेश करने से लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो गया है। दिक्कत हो रही है पानी में, पानी पूरा प्रवेश कर गया है। सामान वगैरह भी नष्ट हो रहा है जी, सामान सब पेपर सब भीगने का आशंका है, यहाँ नीचे रखा हुआ है, भीगने की संभावना है, उसे ऊपर हम लोग रख दिए।